नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक की शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर पिछले 2 महीने से हर किसी की नजर बनी हुई है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। अब ना किसी राज्य की पुलिस का इसमें हस्तक्षेप होगा और ना ही कोई सियासी रोड़ा जांच पर हावी होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझाते हुए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज ना तो होली है, आज ना ही दिवाली है, ना कोई पर्व त्योहार, लेकिन पटना में रंग गुलाल की रंगत है, आतिशबाजी का शोर है। कोरोना काल में भी लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बिहार के लाडले सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है और उनके प्रशंसकों के लिए न्याय की जंग में ये उनकी पहली जीत है। पटना के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भारत के युवाओं को भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी मिल गई सीबीआई से जांच कराने की, तहे दिल से हम बिहार पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय ने दो टूक अंदाज में ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी किंतु परंतु पर फुल स्टॉप लगा दिया। फैसला 35 पेज का था, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि अब सीबीआई ही सुशांत केस की जांच करेगी, कोई भी दूसरे राज्य की पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच में सहयोग करना ही होगा। जांच से जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई को देने होंगे। मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत के लिए एक्सीडेंटल मौत की सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें जांच की शक्तियां बेहद सीमित है। फैसले में बिहार सरकार का पटना में एफआईआर दर्ज करना सही माना गया और बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को भी सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह मौत से जुड़ी अगर कोई दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है तो सीबीआई उसकी जांच भी कर सकती है, मतलब महाराष्ट्र सरकार की सभी दलील कोर्ट ने खारिज कर दी। देखिए, आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने खुद अपनी ओर से ही सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया है, लिहाजा आदेश को चैलेंज करने के तमाम दरवाजे भी बंद हो गए हैं। सुशांत केस में सीबीआई जांच की पैरवी करने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुप्रीम फैसले को इंसाफ मिलने की पहली सीढ़ी मान रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये प्रमाणित हो गया कि बिहार पुलिस ने मेरे नेतृत्व में जो भी किया बिल्कुल लीगल एक्शन किया, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ये केस दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके आगे जो भी होगा बहुत सही तरीके से अनुसंधान होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की फजीहत हो रही है, लेकिन अब जांच का जिम्मा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के पास है, जिसमें जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दिल्ली से संजय शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब सीबीआई जांच पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सुशांत केस को सीबीआई कैसे करेगी टेक ओवर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई अब इस केस में जांच कैसे आगे बढ़ाएगी, जल्दी जल्दी करके एक एक पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं इस बड़ी सी स्क्रीन के जरिए। देखिए, अब सीबीआई करेगी सुशांत केस की जांच, जिसकी मांग लगातार परिवार की ओर से की जाती थी। सबसे पहले मुंबई जाएगी सीबीआई की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, सबसे पहले मुंबई जाएगी। इसके पहले हालांकि आप सबने देखा था बिहार पुलिस की टीम भी गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह का कोई सहयोग उसे नहीं किया था। उसके बाद सीबीआई को केस डायरी अब मुंबई पुलिस की ओर से सौंप दी जाएगी, जिसके आज आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। आरोपियों और चश्मदीदों के बयान के रिकॉर्ड भी सीबीआई को दिए जाएंगे। अब तक मुंबई पुलिस ने जिन चश्मदीदों के बयान और आरोपियों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाएगी। ये तमाम वो दस्तावेज होंगे जो मुंबई पुलिस के पास हैं, वो सीबीआई को देगी। जहां सुशांत की मौत हुई वहां भी जाएगी सीबीआई की टीम, ये भी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। मौके पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, हालांकि इसके पहले भी ऐसा किया जा चुका है, लेकिन सीबीआई की टीम अब इसको रिक्रिएट करेगी। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन करेगी सीबीआई। हालांकि ईडी ने इन तीनों से ही पूछताछ की थी, लेकिन अब इनको समन किया जा सकता है और उसके बाद पूछताछ के बाद
गिरफ्तारी पर भी फैसला सीबीआई ले सकती है। गिरफ्तार इनको किया जाए या फिर नहीं, इस पर भी सीबीआई की टीम फैसला ले सकती है। तो ये अहम जानकारी जो निकलकर सामने आई है सीबीआई केस के सीबीआई सुशांत केस के मामले में है। इन सबके बीच आपको बताते चले, परिवार को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन सबसे पहला स्टेप सीबीआई जांच का ही था, जिसपे आज बड़ी कामयाबी परिवार को मिल चुकी है। फिलहाल बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शुरू से ही सुशांत केस में न्याय और इंसाफ के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनसे बातचीत की है, कुछ ही देर पहले मेरी सहयोगी अंजना ओमकर छपनी सुनिए। बिहार के इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव आज तक पर जुड़ रहे हैं। पांडे जी सब कह रहे हैं, पांडे जी ने कमाल कर दिया, आपने जो मोर्चा संभाला बात अंजाम तक पहुंची। अंजना, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जिसकी बात हम सुन रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है, देश कानून से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सबसे ऊंची शीर्ष अदालत है। दो ही इशू थे इसमें अंजना, एक इशू था कि बिहार पुलिस ने जो केस किया उसका वो वैलिड है कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, उनको ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि चूंकि उनके अकेले फादर हैं, वो नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं उस परिवार के, और परिवार में अकेले बच्चे हैं, और इसमें मनी ट्रेल है, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन, वो पटना में रहते हैं इसलिए पटना में बनता है, इसलिए हमने केस किया। और दूसरा ये इशू था कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है, तो जब एफआईआर कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, वो राइट है। तीसरा था बिहार सरकार ने जो इस केस को रिकमेंड कर दिया कि सीबीआई को दिया जाए, तो केस ही करने का अधिकार नहीं था बिहार पुलिस को, तो बिहार सरकार को इसको सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा करने का राइट नहीं था। ये बहस के मुद्दे थे। ये सब मामले सेटल हो गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। मैंने कोई कमाल नहीं किया, पूरे देश ने इस बात को देखा। मैंने लड़ाई जरूर लड़ी, और इसलिए लड़ी कि बिहार का बेटा था, और इसलिए लड़ी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण करना शुरू किया उससे मेरे मन में संदेह होता गया, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। एफआईआर करने के बाद उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 12 बजे रात्रि को जब हमारे आईपीएस अधिकारी को कैदी की तरह ठप्पा, मैंने जिंदगी में न देखा है न कभी सुना है कि आईपीएस अफसर को इस तरह से ठप्पा लगा करके मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाता है, उस दिन से मेरे में संदेह हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद मैंने फ्रंट लाइन पर आकर के बहुत एग्रेसिव होकर के मोर्चा खोला, और मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को खुशी है, और बिहार ही नहीं, मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था इस मामले से, तो बिहार नहीं पूरे देश की जनता को ये खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। और एक बात और बता देती हूँ अंजना, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी आस्था तो भारतीय न्याय प्रणाली में थी, लेकिन वो आस्था और ज्यादा गहरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार तो लेकिन कह रही है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, इसीलिए ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। देखिए, सरकार की टिप्पणी पर अंजना, कोई सरकार की टिप्पणी पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं है, मैं ये कह नहीं सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं, अब कहने वाले तो बहुत तरह की बहुत तरह, अब सरकार कोई सरकार कर रही है तो उस पर मेरा टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन देश की सबसे शीर्ष अदालत की बात को भी अगर हम न माने और उस पर भी अगर हम टिप्पणी करें, तो फिर तो देश में कानून किस लिए, देश में संविधान कैसे, किस लिए, और देश में फिर किसी अदालत की क्या जरूरत है? जिसको जो मन करे वो अपना फैसला अपने घर में कर ले, अपने अपने सूबे में सभी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से फैसला कर लें, तो फिर अदालत की जरूरत क्या है, फिर हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दी। पिता का दर्द, क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ पूरा केस उन्होंने डिस्कस किया और एफआईआर तक आप लोग इसको ले गए, उस पिता का दर्द, उस पिता पर न जाने कितनी बार उंगलियां उठी गुप्तेश्वर जी, और आप भी एक पिता होंगे, आपको भी एहसास होगा कि किस तरह से एक तो बेटा खोए, उसके बाद से चारों तरफ से कीचड़ उछालने की कोशिश थी परिवार पर ही, उस पिता पर। अन्या, सबसे पहले यह घटना की सूचना मिली तो उसी दिन मैं गया था, सबसे पहला आदमी मैं हूं, सबसे पहले मैं उनके घर गया था और उस आदमी का चेहरा देखा था, और उनके परिवार के जो लोग जुटे थे मैंने देखा था, आधा मर चुके थे वो, किस तरह से संभाल कर मैंने बैठाया था,
10 मिनट बात वो करने की स्थिति में नहीं थे, 10-15 मिनट में उन्होंने एक दो सेंटेंस मुझसे बात किया होगा, आधा मर चुके थे वो, उनकी आंखों के दर्द को मैंने देखा, उनके अंदर की छटपटाहट को मैंने देखा, और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं इस मुद्दे को, लड़ाई को लड़ूंगा, और लड़ा मैं। यहां राजनीति करने के लिए, नाटक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, न्याय के साथ खड़ा होने के लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया तो मेरे मन में संदेह हो गया कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए मोर्चे पर आकर के मैंने तो इमोशन में आकर के, मैं भावुक आदमी हूं अंजना, मैंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इस लड़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कम गालियां मिली, मुझ पर कम टिप्पणी की गई, लेकिन मैं कहता हूं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, मैंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, और मेरे मन में कोई उसकी तकलीफ नहीं है। मेरे मन में खुशी है कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है कि सीबीआई अब शायद न्याय दे दे, सत्य शायद प्रकाशित हो जाए। लोगों को बहुत सुकून मिला है, बिहार में गली गली चौराहे पर आंदोलन हो रहे थे, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों में इतना आक्रोश था, लोगों को आज बहुत सुकून मिला है कि अब सीबीआई इस मामले को देख रही है तो शायद इंसाफ मिल जाए। अब आप कोई भी किसी पर, अब सुशांत के पिता पर कीचड़ उछाला, उसकी बहनों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके परिवार के लोगों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जी ने स्टेटमेंट अपने एडवोकेट से माध्यम से जारी किया, उसमें इतनी अशोभनीय कुछ अमर्यादित बातें लिखी हुई हैं, मैंने झटके पर देखा, उसकी चर्चा करना भी बेकार है, इतनी फूहड़ बातें लिखी हुई हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो लीगल बैटल है, इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए अंजना, इसमें राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, लीगल बैटल है, लीगल तरीके से लड़िए। रिया जी को कानूनी, वो अभियुक्त हैं, प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, नेम्ड FIR एक्यूज्ड वो हैं जो बिहार में हुआ, और वही FIR वही केस CBI को हैंड ओवर हुआ है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया में आकर के वकील के माध्यम से वो कृपया स्टेटमेंट ना जारी करें, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से उनको सलाह देता हूँ, हमको कोई उनसे दुश्मनी नहीं, बिहार पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते थे कि हमको अगर नहीं करने दिया गया तो मुंबई पुलिस भी ना करे, ये CBI करे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है, ये आदेश दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं इस निर्णय का ये स्वागत करता हूँ, मुझे बहुत सुकून है। एक दबंग अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है गुप्तेश्वर जी, लेकिन आज आप पिता की बात करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं जी, इमोशनल हो रहे हैं आप पिता की बात करते। जिस जी उसका इकलौता बेटा था वो, उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, KK सिंह को कोई अर्थी को उठाने वाला नहीं है, उनकी चिता को कोई आग लगाने वाला नहीं है, यह बात समझिए आप, कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है, और उसमें उसका बाप अगर चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच कर ले, यही तो वह चाहता है कि निष्पक्ष एजेंसी जांच कर ले, हम भी तो इतना ही चाहते हैं, हम कहां चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर ले, या किसी से क्या मतलब है मेरा, हम भी यही चाहते हैं कि न्याय हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, इतना ही चाहते हैं अंजना। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, कई जगहों पर भावुक होते हुए भी नजर आए, लेकिन अब उनके साथ ही परिवार को भी इस बात का कम से कम अब ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले में परिवार को न्याय जरूर मिल जाएगी। लेकिन बात सुशांत सिंह के परिवार की कर लेते हैं, जो अपने भाई की मौत का सच जानना चाहता है। चार बहनें अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आज CBI जांच के आदेश के बाद परिवार ने जीत की ओर अपना पहला कदम रखा है। Request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. ये लड़ाई है अपने भाई को इंसाफ दिला, ये जंग है अपने बेटे की मौत का सच जानने की। वो चार बहनों का दुलारा भाई था, छोटे छोटे बच्चों का प्यारा सा सुशांत मामा था। जब भी मिलता हंसता खेलता और मुस्कुराता। आखिर जिंदा दिल सुशांत ऐसे कैसे चला गया, परिवार बस इस सच को जानना चाहता है। 2 महीने से चल रही इस जंग में CBI जांच का आदेश परिवार के लिए पहली। सुशांत के परिवार का, मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया और उसके दुनिया भर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार।
अब जबकि देश की सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। हमारा मानना है कि संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम से प्रजातंत्र में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है, देश से हमारा प्रेम अटूट है, आज और भी दृढ़ हुआ है। मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस दिखावा कर रही थी, अब सही में जांच होगा, सीबीआई जांच करेगी तो हर कुछ सामने आ जाएगा। तमाम लोगों का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इस मुहिम में जितने लोग लगे हुए थे सबों का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि मामला मंजिल तक पहुंचा है, अब जांच होगा तो कार्रवाई होगी। या सब परिवार ने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए क्या नहीं किया। पिता का जब मुंबई पुलिस की जांच से भरोसा उठा तो पटना में एफआईआर कराई। रिया ने जब केस पटना से मुंबई ट्रांसफर की गुहार लगाई तो पिता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पहली लड़ाई जीत ली। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। परिवार से सुशांत के संबंधों को लेकर रिया की ओर से कई आरोप लगाए गए, लेकिन बहनें रुकी नहीं, लगातार भाई को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रही। जब जब रिया ने परिवार से खराब संबंधों के सबूत देने की कोशिश की, परिवार की ओर से जवाब दिया गया। कभी सुशांत के साथ बिताए सुनहरे पलों की तस्वीरें साझा करके तो कभी प्यारे भाई के संदेशों के जरिए। इस बीच सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह ने सीबीआई जांच की मुहिम चलाई। सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार सीबीआई जांच की मांग करती रहीं, मंदिरों में जाकर पूजा की। कभी अमेरिका तो कभी ऑस्ट्रेलिया में सुशांत के इंसाफ की मांग के होर्डिंग शेयर किए, तो कभी खुद सामने आकर लोगों से सीबीआई जांच को लेकर जारी मुहिम में शामिल होने की अपील की। मेरा परिवार बन चुके लोगों को बधाई, मैं बहुत खुश हूँ। निष्पक्ष जांच और जीत की ओर ये पहला कदम है। आज सुशांत के परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार को उम्मीद है कि अब सीबीआई जांच के साथ सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ पटना से सुजीत झा, आज तक। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद भी सियासी हंगामा थम नहीं रहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के नेता फैसले में अपनी जीत। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद 25 जुलाई को पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इधर पटना में केस दर्ज हुआ, उधर मुंबई में सियासी बवाल मच गया। महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच एक तरह से जंग शुरू हो गई कि आखिर जांच का अधिकार किसका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार इसे अपनी जीत बता रही है। जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था, और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। उधर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के तेवर ढीले पड़ गए हैं। सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली। इस मामले में तीखी बयानबाजी करने वाले संजय राउत की आवाज से रवानगी गायब है। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। सुशांत की मौत के बाद पटना में उनके घर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि सीबीआई की जांच तेज होगी और परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष
और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में बिना किसी एफआईआर के 66 दिन तक जांच चलती रही, लेकिन केस अब सीबीआई के हाथ जाने के बाद उद्धव सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग बॉलीवुड की ओर से भी उठने लगी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉलीवुड से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में जल्दी से इस बड़ी सी स्क्रीन के जरिए आपको जानकारी देते हैं। अक्षय कुमार अभिनेता, इन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपी, हमेशा सच की जीत होनी चाहिए। अक्षय कुमार ने यह लिखा है। आगे बढ़ते हुए दूसरा ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, कंगना रनौत का। लगातार सुशांत पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखती रही है। आज उन्होंने लिखा है, मानवता की जीत, सुशांत की इस जंग के हर योद्धा को बधाई। मैंने पहली बार ऐसी शक्तिशाली और एकजुटता देखी, शानदार। ये लिखा है कंगना रनौत अभिनेत्री ने। जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की मांग जिस तरह से चल रही थी उसके मद्देनजर कम से कम अब ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसी वजह से बॉलीवुड के कई ऐसे दिग्गज हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल ये तो बात हुई सुशांत सिंह राजपूत की। सीबीआई जांच करेगी, पूरा मामला कहां पर जाकर ठहरता है, सुशांत के परिवार को न्याय का इंतजार है और इस बड़ी खबर पर हमेशा आज तक की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां आज बारामूला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बारामूला के पाटन इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ये जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बारामूला के शहीदों को सलाम किया गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हुए अब रुख दिल्ली के मरकज के चीफ मौलाना साद और तबलीगी जमात से जुड़ी खबर की ओर। दिल्ली समेत दूसरे शहरों में साद और उसके सहयोगियों से जुड़े करीब 20 ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की है। दिल्ली में 7, मुंबई में 5, कोच्चि में 3 और अंकलेश्वर में 1 जगह पर छापा मारा गया। मौलाना साद के सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। दिल्ली मरकज पर विदेशों में बड़ी अज्ञात राशि मिलने का आरोप है और हवाला नेटवर्क से कनेक्शन की भी जांच इस पूरे मामले में ईडी कर रही है। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन साइबर सिटी में सैलाब, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।